नर्मदा नदी में डूबने से तीन युवकों की मौत हुई है। नर्मदा में नहाने आए थे तीनों युवक, रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। तीनों मृतक युवक एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर इनको बाहर निकाला है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिकट के दावेदार नेता भी क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। वहीं हर क्षेत्र की अपनी जनता की समस्याएं हैं, अपनी मुद्दे हैं और अपनी मांगे हैं। यही सब जानने हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही खास सफर जिसका नाम है कहता है वोटर, जिसमें हम जानेंगे वोटर्स के मन की बात। आज हमारी टीम आ पहुंची है मध्यप्रदेश की टिमरनी विधानसभा में, जो कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो आइए चलते हैं जनता के पास, जानते हैं किन बातों को ध्यान में रखकर इस बार वो मतदान करने जा रहे हैं। टिमरनी विधानसभा में आपका स्वागत है। जान लेते हैं जनता से कि क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं और उनके विधायक जी ने और उनकी सरकार ने, जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में चुनकर भेजा, कितना काम किया है। क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है आपके क्षेत्र की? राजेश के राजपूत नाम है सर मेरा जी। बस स्टैंड में बाथरूम की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। और सर प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी कमजोर है। पानी नल सड़ा हुआ नल लगा हुआ सर, पानी व्यवस्था में नीचे पानी भरा हुआ सड़ा हुआ नल का। तो बोला आपने जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधियों को बोला सर, वो ध्यान नहीं देते। अरे संजय सर आते हैं यहाँ से निकल जाता, पर वो ध्यान ही नहीं देते। मतलब चुनाव के टाइम पे आते हैं क्षेत्र विधायक हमारे, वो ध्यान नहीं देते, वापस चुनाव के टाइम पे ध्यान देते हैं। दादा किसानी भी करते होंगे आप, किसानों को लेकर क्या दिक्कतें हैं? किसानों को बहुत परेशानी पूर रही, गल्ला पानी बेचने करने में सोसाइटी में अपडेट नहीं हो रहा है, सब परेशानी पूर रही, बहुत परेशान है किसान। तो भैया सड़कों की क्या हालत है? आप युवा वर्ग से आते हैं यहाँ, वहाँ आपको आना जाना पड़ता है? सड़कें विधानसभा में बहुत जंजर है, बहुत बेकार हालत है पूरी जगह, कोई निर्माण कार्य हुआ नहीं है। वादे करते हैं नेता, आते हैं झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं, बाकी सही मुद्दे पे देखे जाए तो पूरा रोड जंजर पड़ा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, पूरा खराब पड़ा हुआ है। जब से बना उस पर रिपेयरिंग कर जाते हैं, इसके बाद में आ ही नहीं रहे हैं। तो भाई है क्या? नहीं बिल्कुल सही बात है। बताइए सर, ग्राम कोईवाड़े में जो प्रधानमंत्री रोड है ना सर, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि गाड़ी, आप दो मिनट जाके देख लेना कि गाड़ियों में चलना मुश्किल है उसमें। वो डीपी तीन महीने से जली पड़ी हुई है, लाइन मैन और ऊपर तक फोन लगा दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों पूरे गर्मी में ऐसे सो रहे हैं कि अब क्या बताएं सर आपको। बिल्कुल बहुत बड़ी ये तकलीफ है। सर अगर बिजली की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, ये आदिवासी बाहुल इलाका भी है, क्या स्थिति है? बिजली कम मिलती सर, मिलती जरूर है लेकिन इतना समय पे नहीं मिल पाती है। ऐसा दो घंटे बिजली, तीन घंटे बिजली ऐसी मिल पाती है ऐसा, और बार बार कटौती होती है उसका। और बिजली बार बार कटौती भी होती है। दादा आप बिल्कुल अपने अपनी फटपटिया पे हैं और बहुत जल्दी में भी नजर आ रहे हैं, आप ये भी बता दीजिए कि क्या महंगाई भी एक बड़ी परेशानी? बहुत बड़ी परेशानी है, वो दिक्कतें बहुत आती है, और ब्रेकर नहीं लग रहा है, ओवर डंपर जाते हैं दिक्कत आती है, गाड़ी वाहनों में परेशानी होती है। और टिमरनी में क्या, टिमरनी जो शहर है वहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है? नहीं है, कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है पूरे टिमरनी तहसील में। हाँ। पूरी व्यवस्था भंग है, कोई सी भी सरकार ध्यान नहीं देती है किसी के ऊपर भी, सब अपनी अपनी देख रहे हैं। ग्रामीण में कोई भी परेशानी आती है तो कोई मंत्री लोग आते नहीं है काम करने के लिए, आते जरूर वोट के लिए, बाकी समय नहीं आ पाते। बार बार कहने पर भी, बार बार बताने पर भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते। हमारे गांव का नल, हाँ बिल्कुल, देखते हैं आपके नल की स्थिति भी। दादा और क्या कुछ आपके क्षेत्र में क्या परेशानियों का सामना आप लोग करना पड़ रहा है? बता दिया मैंने सर, बिल्लोद रोड बहुत खराब हुआ हुआ है, नहर में पानी मिल नहीं रहा है, परेशानी पे परेशानी आ रही है। भैया है बिल्लोद का, इसके नाम पे गोदी में उसका काका जी वगैरह, वो तो शांत हो गए, नाम ही नहीं आ रहा उसका बेचारा, 10 चक्कर कोर्ट में गया,
तहसील टिमरणी में पेशी भी हुआ है, सब हुआ है, फिर भी हमारा काम अभी हुआ ही नहीं। नाम हरी प्रसाद, ये सिस्टम की बहुत सारी परेशानी है। खेल के मैदान है विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल मैदान नहीं है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं नेता लोग, आते हैं हो जाएगा काम करवा देंगे, बाकी सही मुद्दे पे देखे तो 1% को भी काम नहीं करते हैं। सब मिलजुली सरकार है, यहाँ कोई निर्माण कार्य हो नहीं रहे हैं, कोई विकास कार्य हो नहीं रहा है, सिर्फ नाम का विकास है यहाँ पे, बाकी सही मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ब्रेकर के लिए आश्वासन दे गया भैया, ये भी बताइए आप, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के कैसे शिक्षण संस्थान है, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? सर आधे तो शिक्षक आ ही नहीं रहे, वैसे ही ऑलरेडी छुट्टी बता रहे, 8:30 में आ रहे हैं, वो भी आधे टाइम आते हैं, आधे टाइम आते नहीं, आधे टाइम दुकान स्कूल मंगल रहती है, मतलब चार बच्चे आ रहे हैं तो मतलब उनको पढ़ाने के लिए दो शिक्षक रहते हैं, एक शिक्षक तो वो दिन भर बातें करते रहते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही अभी। अच्छा ये भी बताइए सर कि स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है, जो सरकारी अस्पताल है इलाज लोगों का ठीक ठाक? सर यहाँ पे तो क्या बोलते डॉक्टर वगैरह है नहीं, यहाँ पे यहाँ से दूर क्या बोलते 4 किलोमीटर दूर नौसर गाँव वहाँ पे है डॉक्टर वगैरह, बाकी वहाँ भी प्रॉपरली आते नहीं है वो लोग भी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वो भी छुट्टी पे अटका हुआ। सर चल के दिखा दें आप, बोलो तो टिमरनी विधानसभा में टिमरनी विधानसभा। तो ये देखिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, इसको लेकर जनता काफी परेशान है। खास तौर पर बिजली की जो परेशानी है कि ये कहा जा रहा है कि बहुत कम बिजली जो है वो मिल पाती है, अन्य परेशानियां भी हैं, सड़कें बदहाल हैं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, फसल लगाने के लिए हो या फिर फसल कटवाने के बाद उसकी बिक्री को लेकर हो, कई तरीके की सिस्टम की परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। और ये भी कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बार बार मांग करने के बावजूद इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब ये जनता वोट करने